हेलो एंड वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मूंग की दाल की रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बन के रेडी हुई है नाश्ते के लिए। इसके लिए मैंने आधा कप मूंग की दाल को एक डेढ़ घंटे के लिए भिगोया है। जल्दी चाहिए आप तो गर्म पानी डाल के रख दीजिए, एक घंटे में भी ये भीग जाती है। आपको ये देख लेना है कि इस तरह की हो जाए और दो टुकड़े आसानी से हो रहे, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जार में डाल देंगे और जब हम आधा कप भिगोते हैं तो एक कप हो जाती है। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल के मैंने यहाँ पर ग्रीन चिल्ली और करी लीव्स डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसको मैंने दरदरा पीसा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये बैटर बना है। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। ये 1/3 कप मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास में चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सूजी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने तड़का डाल दिया 1 चम्मच। ऑयल में मैंने थोड़ी सी राई, हींग डाली है, सफ़ेद तिल, करी लीव्स डाल दिए और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इसे मिक्स कर देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक डाला है, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो वो भी डाल दिया है और 1/2 टीस्पून पीसी हुई शक्कर डाल दी है। सबको मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल भी इसको रेस्ट नहीं दिया है, तो स्टीमर रेडी करने के बाद 1/2 टीस्पून इनो और 1/2 टीस्पून पानी डाल के इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर ये टिन लिया है और इसको ग्रीस करके इसमें डाल दिया है इसको शेप देने के लिए। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल की है और ये 15 मिनट में अच्छे से स्टीम भी हो गया था। तो हम नाइफ डाल के देख लेते हैं। बहुत ही ये टेस्टी इस तरह से भी बनता है और ये अट्रैक्टिव भी बना है। मैंने इसमें बनाया है इसलिए ठंडा करने पर हम इसे निकाल देंगे और इसको हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है। बच्चे को भी अगर देंगे तो वो देखते ही खाने का मन हो जाएगा। अब इसमें आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, या फिर इस तरह से तड़का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल में राई डाली है, थोड़ी सी हींग और सफ़ेद तिल, करी लीव्स और हरी मिर्च डाली है। बहुत ही ये टेस्टी बनता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, काफ़ी ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने मूंग की दाल का यूज़ किया है। एक बार ज़रूर बनाइए आप।